Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। क्या हुआ भूस्वामी? सब तुम्हारे कारण हुआ है। ये क्यों हो रहा है मुझे? मेरे पैर में इतने भयंकर जलन क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि एक साथ कई बिच्छू डंक मार रहे हैं? भूस्वामी की यह हालत विषभूति के कारण हुई। इसके स्पर्श से भयानक पीड़ा और असहनीय जलन होती है। कभी कभी इसके विष के कारण प्राणों तक का बचना कठिन होता है। ऋषिवर, शीघ्र उपचार करो, मुझे बचा लो, मुझे अपनी धन संपदा को भोग रहा है, मुझे बचा लो, मुझे नहीं होना। भूस्वामी जी, इसका कोई उपचार होता तो हम लोग आपको अवश्य बचा लेते। कोई तो उपचार होगा, ऐसे कैसे कोई उपचार नहीं होगा? ढूंढो कोई उपचार। ये सब भगवान के अनादर का फल है भूस्वामी जी। मुझे क्षमा कर दीजिए भगवान, मैं भगवान का कभी भी अनादर नहीं करूंगा। मेरी प्राण बचा लीजिए, कौन उसे मेरी प्राण। भगवान कहीं दूर अथवा आकाश में नहीं, बल्कि आपके सामने हैं। यदि सामने है तो मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे? कहाँ है भगवान? कहाँ है? मुझे बता लीजिए। शिव, तू संसार का संकट हरता है, इनका भी कष्ट दूर कर दे। जो आज्ञा माँ। कोई समस्या जीवन में हो भले, तुम रहो जिसके साथ शिव चले, हर एक संकट क्षण में टाल दे, शरण जो आए उसे संभाल ले, शरण जो आए उसे संभाल ले। सब इच्छा है महादेव की, महिमा है महादेव की, इच्छा है महादेव की, महिमा है महादेव की। सच्चे मन से जिसने शिव को पुकारा, बन जाते शंभू उसका सहारा। सच्चे मन से जिसने शिव को पुकारा, बन जाते शंभू उसका सहारा। सब इच्छा है महादेव की, महिमा है महादेव की, इच्छा है महादेव की, महिमा है महादेव की, इच्छा है महादेव की, महिमा है महादेव की। प्रभु, मुझे अधम पापी को क्षमा कर दीजिए। मैं धन के घमंड में पहचान नहीं पाया आपको, परंतु काल को आज अपने सामने देखकर मेरे आंखों पर पड़ा आवरण हट गया। प्रभु प्रभु, इस सत्य को मैं जान गया हूँ कि धन संचय से अधिक मूल्यवान धर्म संचय है। मैं आपको वचन देता हूँ, मैं अपने सारे धन को धर्मार्थ में दान कर दूंगा। जब जागो तभी सवेरा। Z5 पर पूरे एपिसोड्स देखें बिल्कुल फ्री। अभी ऐप डाउनलोड करें।